बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोजपा रामविलास के तमाम बड़े नेताओं के साथ चिराग पासवान ने आज पटना में बैठक की है और बैठक करने के बाद चिराग पासवान ने बताया है कि आगे चलकर उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करने जा रही है और बीजेपी के साथ क्या लोजपा रामविलास का गठबंधन हो रहा है और किसके साथ क्या बातचीत हुई। नित्यानंद राय आए, उनसे भी क्या बातचीत हुई, सब कुछ चिराग पासवान जो हैं खुलकर बता रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है, पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः मैं दोहराता हूँ, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक होगा। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने इशारों ही इशारों में यह बता दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा चल रही है। आज पार्टी की बैठक में यह फैसला हुआ है कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि चिराग पासवान जो हैं वो गठबंधन का फैसला ले सकते हैं, यानी कि चिराग पासवान की जो बीजेपी से बातचीत चल रही है कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास शामिल होने वाली है, तो इसका संकेत आज चिराग पासवान ने दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि इससे पहले कई दफ़े लोजपा रामविलास जो है वो बीजेपी का समर्थन करती रही है, कई मुद्दे हो या फिर बाई इलेक्शन हो, तो इसलिए चिराग पासवान ने यह भी बताया कि अभी गठबंधन को लेकर दो तीन बैठकों का दौर और चलेगा और उसके बाद जो है ये ऐलान कर दिया जाएगा कि हम किसके साथ शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वो कम से कम 6 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से 3 सीटों का ऑफर किया गया है। तो देखना होगा कि क्या चिराग पासवान की डिमांड को बीजेपी मानती है, क्या चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, ये तमाम जो सवाल है और इस सवाल पर जैसे ही फैसला होगा और उसके बाद चिराग पासवान जो है 2 से 3 दिनों के अंदर बड़ा ऐलान कर देंगे कि वो गठबंधन में बिहार एनडीए में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।